हेलो माय नेम इज़ कल्पना जय एंड आज मैं आप लोगों से बात करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की विच इज़ डाइवर्सिफ़िकेशन एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प आवर स्मॉल इन्वेस्टर्स सो पहले समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने रिस्क को स्प्रेड करिए राइट दैट इज़ आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि डू नॉट पुट योर ऑल दी एग्स इन वन बास्केट मीनिंग कि आप अपना पूरा कैपिटल एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में ना डालें Uh, कई बार होता है कि हम हमें काफ़ी फंडामेंटल एंड टेक्निकली स्ट्रॉग स्टॉक्स जैसे कि यस बैंक डी एच एफ एल पी सी जे ये हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स थे बट स्टिल सडन न्यूज़ या सडन किसी रीज़न uh, की वजह से इतना बड़ा फॉल uh, हमने इन स्टॉक्स में देखा है एंड डाइवर्सिफिकेशन uh, uh, का जो स्ट्रैटेजी है दैट विल हेल्प अस To safeguard our capital in these kind of scenarios. अब ये scenarios देखें हर दिन नहीं होते हैं but अगर आ, हम ऐसे किसी stock में invested हैं तो उस situation में diversification is definitely going to help uh, to uh, safeguard our capital and uh, long term में अगर हम returns देखेंगे तो diversified stocks का return long term में बहुत अच्छा आता है अब देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा हमने देख लिया अब हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन के बिकॉज uh, हर स्ट्रैटी के हर कॉइन के दो पहलू होते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन uh, किस केस में हमें फ़ायदेमंद नहीं है वो भी देखते हैं सो so, देखिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपने ये समझ लिया कि आप अपना कैपिटल डिवाइड करेंगे और आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे बट मल्टीपल स्टॉक्स अगर थर्टी फोटी फिफ्टी सिक्सटी हंड्रेड हैं सो दैन दैट इज नॉट डायवर्सिफिकेशन दैट वुड भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन एंड इन दैट केस दैट वुड नाट बी सो हेल्पफुल सो मेरा ये मानना है पर्सनली कि डायवर्सिफिकेशन जब आप करते हैं तो आपके नंबर वो स्टॉक्स शुड भी जिन्हें आप अपने एक स्क्रीन पर देख पाएँ सो दी मैग्जिम स्टॉक्स यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो एज पर मी इज नॉट मोर देन एलेवन तो आप uh, इस स्ट्रैटी को फॉलो कर सकते हैं एंड एंड uh, आपका कैपिटल वुड बी सेव गार्ड इन दिस स्ट्रैटी एंड रिटर्न विल बी वेरी गुड इन लॉन्ग टर्म तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही और फिर